तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं रोप पजल। मतलब इससे हमें उस लड़के को बचाना है। तो चलो दोस्तों, और इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सुश्रुत भागवत गेमिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो दोस्तों, तो ये देखो, अब हमें अपनी उंगली से काटना है ये। तो देखो, अभी ये किसी हेल्प नहीं बोल रहा है, तो इसको बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए तो अब हमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, मैंने अपनी ये उंगली से काट डाला और इसको दूसरी तरह से। तो देखो दोस्तों, अब मुझे फिर से एक्सीलेंट आ गया। अब दोस्तों, अब हमें इधर से उसे काटना है। अब ये देखो, मुझे फिर से एक्सीलेंट आ गया। तो दोस्तों देखिए, डायरेक्ट हो गया ये। तो दोस्तों, अब हमें इसे संभाल के काटना पड़ेगा। देखो, अभी मैं उसे काट डालूंगा। तो दोस्तों देखिए, फिर से एक्सीलेंट आता है मुझे। तो दोस्तों, इसके लिए अब दिमाग लगाना तो बहुत इजी है। इसके लिए अब हमें पहले प्लेन ऐसा काटना पड़ेगा और तभी हम इसको छोड़ सकते हैं। देखो, तो दोस्तों अभी अगर मैंने इसको छोड़ डाला और ये भाग गया तो ये नीचे गिर जाएगा। तो अभी मुझे पहले इसे काट डालना होगा। तो अभी मैं उसे काट डालूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये भी लेवल पास हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए तो हमें बहुत ही संभाल कर रहना पड़ेगा। ओह नो, नहीं, मैं तो मर गया। और मुझे फिर से करना पड़ेगा। ओ, हो गया इस बार। अभी स्टेज 10 है। तो अभी मुझे इसमें क्या करना है? आई थिंक मुझे ऐसा करना है, देखिए। और अब इसे मैं छोड़ डालूंगा और ये एग्जिट की तरह भाग जाएगा। ये मुझे नया कैरेक्टर नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए अब मुझे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ओ नहीं दोस्तों, मैंने अब गलती से, अब मैं मरने वाला हूँ। चलो इसे छोड़ ही डालता हूँ। आई थिंक दोस्तों मुझे ऐसा करना है। और अभी मुझे उसे छोड़ डालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये मुमकिन हो गया। तो दोस्तों, आई थिंक मतलब मैं इसे इस लेवल को जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, वरना मैं हार भी सकता हूँ। तो चल दोस्तों, इसे काट डालूंगा। ओ, ये वाला लेवल तो बहुत इजी था। तो दोस्तों, अभी मुझे इसके इधर तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उसे छोड़ डालूंगा। देखिए दोस्तों, चमककार चमक। दोस्तों, अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, तो दोस्तों मैंने इसे छोड़ डाला है। देखिए दोस्तों, मैं लेवल तो हार गया, लेकिन अपना दिमाग ये करना बहुत ही ज़रूरी है, थिंकिंग करना। तो दोस्तों, अब ये प्रिजन ब्रेक है और उसे अभी मुझे प्रिजन ब्रेक करना है। ओ दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम तो छूट गया, अब ये दूसरा प्रॉब्लम रह गया है। अब मैं भी इसे भी छोड़ दूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत इजी था। दोस्तों, और अभी ये इतना अभी इतना डिफिकल्ट है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा नीचे उतर गया
तो ये मुझे गोली से मार डालेगा। अभी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको आराम से छोड़ सकता हूँ क्यों? देखिए दोस्तों दोस्तों, अब मुझे इसके लिए बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। ओ, इसमें तो दिमाग यूज़ करने जैसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब मैं इसको छोड़ डालूं। ओ, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्टेज 18 पे। अब देखते हैं इसमें हम अपना दिमाग यूज कर पाते हैं कि नहीं। तो जो तो दोस्तों अभी ऐसा लगता है मुझे यहीं से छोड़ना होगा। और मुझे पता है वो आगे क्या करना है। मुझे लगता है ऐसा करना होगा और उसको छोड़ देना होगा। देखिए दोस्तों कितने इजी था। दोस्तों अब मुझे इसके घिराना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, दोस्तों ये संभाल कर करना चाहिए। देखिए दोस्तों इतना एक्सीलेंट था। मुझे नया कैरेक्टर चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए। दोस्तों अभी मुझे आगे जाकर क्या करना है? वाह कितने इजी था ये। ओ नहीं दोस्तों, ये फिर से आ गया। वाह दोस्तों कितना आसान था। वाह तो दोस्तों आई थिंक इसके ऊपर मुझे, ओह ये बहुत ही आसान था। वाह अच्छा हो गया। दोस्तों अभी मुझे इसके ऊपर गिराना है। ओह ये तो अपने आप मर गया। ओ दोस्तों थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं फिर से प्रिजन ब्रेक इधर। तो दोस्तों अब मुझे ये पहला प्रिजन ब्रेक करना पड़ेगा। ये तो ऊपर चली गई, अब मुझे इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये हो गया, अब मैं भी नीचे जा उसे छोड़ दूंगा। ओ मैं पार हो गया। तो दोस्तों अभी मुझे संभाल के करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इसे घिरा दिया। अरे कितना अंधा है यार, ये तो देख भी नहीं सकता। आई थिंक मुझे ऐसा करना था। ओ तो दोस्तों अब मुझे इस आदमी पे मुझे ये घेराना पड़ेगा। ओ दोस्तों ये क्या मस्त था। अभी दोस्तों अभी मुझे इसके ऊपर घेराना पड़ेगा। ओ वाओ अब मैं भी उसे छोड़ दूंगा। ओ तो दोस्तों अब हम मिलेंगे 3 घंटे के बाद। मतलब अब मैं 3 घंटे के बाद आपको मिलूंगा। तब तक के लिए मैं ब्रेक लूंगा ज़रा, और फिर हम मिलेंगे 3 घंटे के बाद।
अब तक के लिए बाय बाय। 3 hours later। तो हाय दोस्तों, अब मिल रहे हैं हम 3 घंटे के बाद, और मैंने आपको बोला था कि 3 घंटे में ब्रेक लेने वाला हूँ, और इसके बाद में 3 घंटे के बाद मैं चला आया आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, अब ये स्टेज 28 है, अब अपना ये शुरू करते हैं गेमिंग। अरे नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, हम जल्दी से पार भी हो गए। तो दोस्तों अभी है ये हमारा स्टेज 29। तो दोस्तों अब हमें ये रेस्क्यू उसे करना पड़ेगा, और मेरा आइडिया है ये ऐसा। अरे नहीं दोस्तों, मेरा आइडिया ऐसा नहीं था। आई थिंक मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और उसके बाद आई थिंक ओ ये बहुत ही आसान था। ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया। दोस्तों अब ये कुछ अलग सा लेवल लग रहा है। दोस्तों करके देखते हैं। ओ डायरेक्ट, मुझे नया कैरेक्टर नहीं चाहिए। अरे नहीं दोस्तों, मैं काम को तो इसे पहले छोड़ के देखता हूँ, उसके बाद। तो दोस्तों ये है अभी स्टेज 32। अब दोस्तों मुझे पता है, आई थिंक का मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे पहले ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये गोली मारने उसे ना लगे, इसलिए वो अवॉइड भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी मुझे पता है इसमें क्या करना है, और वो आराम से दौड़ भाग सकता है। ओ दोस्तों, आई थिंक ये बहुत ही हार्ड है। तो दोस्तों अभी आगे क्या करना है। अरे नहीं दोस्तों, मुझे मेरा ऐसा इरादा भी नहीं था। एक काम करता हूँ मैं उसे, ओ मर के से गया, मेरा ध्यान नहीं था। चलो जाने दो, आई थिंक उसे गोली लगी वो, और ये छूट गया ये। तो दोस्तों अब हम बाकी सारे लेवल्स अगले वीडियो में खेलेंगे। और जल्दी से सुशोध भागवत गेमिंग को मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सुशोध भागवत गेमिंग को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।